हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे मिथ जो हैं उनको दूर करने वाली हूँ। तो जैसे कि लोग कहते हैं मॉनसून में मेकअप नहीं करना चाहिए या फिर मेकअप धुल जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मॉनसून में SPF नहीं लगाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के वीडियो में वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे शुगर के इन 5 प्रोडक्ट से आप इस लुक को अचीव कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊँगी सनस्क्रीन, जो कि मस्ट है। जहाँ पे मैं ले रही हूँ सीट्रस गॉड रियल SPF 30 सनस्क्रीन। ये बिल्कुल लाइट वेट है और एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी है इसकी, तो आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा, बिल्कुल भी पसीना नहीं आएगा इसकी वजह से। और इसे अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि जो UV रेज हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन मिल सके। फ्रेशनेस आ जाएगी फेस पे, आपको अच्छा लगेगा इसे लगा के। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे शुगर कॉन्टोर D4 फेस पैलेट। इसमें आपको 3 शेड मिल जाते हैं जिससे कि आप फुल फेस भी कर सकते हो। और इसका शेड आप देख सकते हो यहाँ पे, कॉन्टोर, हाइलाइटर और आपको ब्लश मिल जाता है। तो इसी ब्लश से ही मैं लगाने वाली हूँ आई शेडो, और कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर सब कुछ है इसी पैलेट में। तो आपको मैं सीधे इसी से करके दिखाती हूँ कि आई पे, फेस पे कैसे सिर्फ एक पैलेट से आप काम कर सकते हो। सबसे पहले आईज़ पे, तो आज कोई कंसीलर कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले हैं क्योंकि मॉनसून मेकअप करने वाले हैं, तो जितना लाइट रहे उतना बेटर है। तो मैं ले रही हूँ ये ब्लश शेड और इसे सिर्फ अपने आई पे पूरे अच्छे तरीके से इसे मैं ब्लेंड कर दूँगी। तो हमें इसे अच्छे से पूरे लिट पर लगा देना है। यहाँ सिर्फ एक ब्रश का ही काम है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, इतना काफ़ी है मेरे लिए। अब इसी को हल्का सा ब्लेंड कर देंगे। इसके बाद मैं ले रही हूँ गॉडेस ऑफ फ्लॉलेस SPF 30 BB क्रीम। तो इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो, ये BB क्रीम है, बिल्कुल लाइट वेट है, आपका समर में, मॉनसून में, सब में आपका काफ़ी अच्छा ये रिज़ल्ट देगा। तो आप इसे हाथों से भी लगा सकते हो, और आप इसे ब्लेंड करना हो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, इसमें कोई तामझाम नहीं है। तो आप देख सकते हो सीधे सनस्क्रीन के ऊपर मैंने इसे लगाया है और ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है। तो इसका है शेयर कवरेज, और अगर आपको हाई कवरेज नहीं पसंद है, आपको फाउंडेशन नहीं पसंद है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। सनस्क्रीन एज ए प्राइमर भी यहाँ पे वर्क कर रहा है क्योंकि एक तो प्रोटेक्शन भी दे रहा है वो, और आपका जो BB क्रीम है वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। तो इसे मैं अपने डार्क सर्कल पे भी लगा ले रही हूँ। मैं ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर और इससे अब हल्का सा ब्लेंड कर दे रही हूँ। मैं लेने जा रही हूँ शुगर नथिंग एल्स मैटर लॉन्ग वेयर लिपस्टिक 22 बेयर हग, और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग भी है इसकी। और ये शेड आप देखो, बिल्कुल न्यूट शेड है, काफ़ी अच्छा ये। और इसे मैं एज ए पहले ब्लश लगा रही हूँ। और अब मैं लिप्स पे भी जल्दी से लगा लेती हूँ। इस टाइप का ही शेड मुझे पसंद है ज़्यादा, मतलब जब लिप ग्लॉस लगाने का मन होता है तो आपको ग्लॉसी लिप्स भी पसंद आते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि एकदम न्यूड लिप रहे, तो ये आपका पिंक न्यूड में आ जाएगा, आप इसे ले सकते हो। इसकी पैकेजिंग भी क्यूट सी है और काफ़ी अच्छे से ये लॉग भी हो जाता है। तो इस टाइप से है ये लिपस्टिक और मुझे ये पसंद आया। अब ब्लेंड कर लेते हैं हमारा ये ब्लश। तो सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। के बाद ये पैलेट मैं ले रही हूँ और इसमें से ये जो ब्लश शेड था उसे, इस ब्लश को मैं लॉक कर दे रही हूँ। आप चाहो तो कॉन्टोर भी कर सकते हो, तो मैं हल्का सा बिल्कुल कॉन्टोर करके आपको दिखा देती हूँ।
अगर आप चाहे तो हाइलाइटर भी लगा सकते हो। तो बिल्कुल लाइटली मैं हाइलाइटर ले रही हूँ और इसे लगा लूँगी। और लास्ट प्रोडक्ट है मेरे पास शुगर का अपटाउन कर्ल लेंथनिंग मस्कारा 01 ब्लैक ब्यूटी। इसका पैकेज जब आप ओपन करते हो तो इसकी वजह से आपका जो लैशेज है वो बिल्कुल भी आपस में जुड़ेगा नहीं और ज़रा सा भी क्लम्पी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं पहले लैशेज को कर्ल कर लेती हूँ। तो मस्कारा लगाने का एक तरीका ये है ताकि वो फैले ना हो या फिर ऊपर लग जाता है तो वैसे ना, तो आपको मिरर को नीचे रखना है और यहाँ पे ऊपर की साइड में इसको मस्कारा को इस तरीके से जिगजैग भी आप लगा सकते हो, आप सीधा भी लगा सकते हो। मैं हल्का फुल्का जिगजैग भी लगाती हूँ और एक बार सीधा लगा देती हूँ। तो इस तरीके से आपका बिल्कुल भी मस्कारा फैलेगा भी नहीं, यहाँ इसको ड्राई होने का भी टाइम मिल जाएगा और ज़रा सा भी मैसी नहीं होगा। नीचे के लैशेस में मस्कारा लगाने के लिए आपको मिरर को ऊपर करना पड़ेगा और वहीं सामने देखना होगा, तब आप नीचे के लैशेस में लगा सकते हो। यहाँ पे भी आपका फैलने का कोई डर नहीं है अगर आप इस टेक्निक या इस हैक से लगाओगे तो। तो अभी आप इस आई में और इस आई में डिफरेंस देख सकते हो, ये काफ़ी वाइड हो गई है मस्कारा की वजह से, जो लैशेज है वो काफ़ी वॉल्यूम दे रहा है अच्छे से। तो गाइस कैसा लगा आप सबको मेरा ये लुक, और मॉनसून में आप भी इसे ट्राई कर सकते हो, आप परचेस कर सकते हो सारे प्रोडक्ट को, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप अमेज़ॉन, नायका, पर्पल, हर जगह शुगर अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसे परचेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट रहता है और आप मेरे फेस पर देख सकते हो। और मॉनसून में आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेकअप से दूरी क्यों रखनी है अगर आपको वो पसंद है तो जो काम आपको पसंद है आप ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।